वेलकम टू रिद्धि की दुनिया। तो अब भी हैप्पी वुमेन्स डे फ्रेंड्स। तो ये एक ऐसा दिन होता है जैसे मेरे हैप्पी बर्थडे पे मेरा बर्थडे आता है, और इसी साल के लिए जैसे मैं दीदी और औरतें और मम्मी का एक दिन होता है, वो स्पेशल डे होता है, वो आता है 8 मार्च को। तो आज है 8 मार्च, तो आज ह्यूमंस डे है। तो मैं हर एक के लिए मैं उनकी कॉम्प्लीमेंट को सैल्यूट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे सरप्राइज के लिए। तो अभी मुझे किसी ने बताया नहीं है कि मेरा सरप्राइज कौन सा है। तो अभी मैं यूनिकॉर्न को देख के उसको भी समझा रही हूँ, आप लोगों को भी। तो इसी साल को हम बनाते हैं ह्यूमंस डे, ओके? पूरी सर्दी निकल गई तब इनको याद आया कि इनके पास ये कैप भी है। ये क्या है रिद्धि? ये हेडफोन है? हेडफोन? हाँ। ये कहाँ, ये किसके हेडफोन देख लिया आपने? मेरे, आपके पास भी तो है। और ये भाई साहब, इनकी चल रही है पढ़ाई, हेडफोन वगैरह लगा के गाने भी चल रहे हैं उसमें। कौन सा गाना चल रहा है? अच्छा, एक गाना वो सुना दो, वो वाला जो आप गाती हो, सारे देवर जेठा के मैं गई खटक। एक पर प्लीज 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 रिद्धि, प्लीज रिद्धि मेरा बेटा है ना, प्लीज प्लीज एक बार प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू। No. एक बार मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी, याद तो टालो। सारे देवर जिठा के मैं गई रे खटक खटक, गचका घूंघट कार चली मैं तो मटक। अरे भाई, ये कहाँ से याद कर रखे हैं तूने? ये मनोरमा की लड़की है ये, और इतनी पागल है, पूरी ठंड निकल गई तब जाके इसने टोपी लगाई है। लो बेटा पी लो इसे। क्या है? चिपाचू। चिपा मतलब? चिपाचू मतलब चिपाचू, पिकाचू, चिपाचू, चिपाचू कर रखा है। हम कहाँ जा रहे हैं रिद्धि आज? डिनर करने। हम लोग जा रहे हैं आज डेट पे, मैं और रिद्धि की स्पेशल डेट है। तो ये आ गया है पास्ता, कैसा लग रहा है रिद्धि? हाँ, कैसा लगा हमें? बहुत टेस्टी लगा। और ये दुर्घटना होने के बाद सावधानी बरतते हुए मैं मम्मी पापा और मम्मी भैया भाभी, भैया भाभी दिखाई नहीं, कैसा व्लॉग रहा भैया? भैया तो आज आप हम सबको डिनर डेट पे लेके आए हो ना? हाँ जी। तो डिनर करवाने आए हो? हाँ। तो मतलब आज डिनर के बाद बिल आप पे करोगे हमारा? नो नो नो। तो डिनर फिर कौन लेके आया डिनर पे? लोग का प्लान था और आप लोग हमें बैठा के लेके आए थे हमें गाड़ी किस में? कि हमें मतलब मैं मम्मी पापा। तो पैसे कौन देगा? आप ये जो इतना बड़ा पर्स है इसमें क्या है खोल के देखो। तो पर्स है और ये ना रिद्धि ने क्या कर, इसमें से सारे इसमें से रिद्धि ने सारे पैसे बाहर निकाल दिए, ठीक है, और ना खाली पर्स लेके आ गई ताकि ना बिल इसको पे ना करना पड़े। ऐसे कौन करता है? मैं तो बस ला ही गई थी मम्मी, अब सच सच बताना मैं पैसे लेके आई थी। आपने सब रख दिया था कि मेरा खर्च ना होने पाए। ऐसे कौन करता है? अभी से इतने इतने किया जाता है, बड़ों के सामने छोटे तो करते ही। अच्छा, तो अगली बार से पता है क्या, हम भी अपना पर्स घर रखाएंगे। और क्या? ठीक है ठीक है, पेटीएम हो जाएगा, फोन भी घर रख के आएंगे दोनों माँ बेटी जो चालू बन रही है ना, फोन भी घर रख के आएंगे। ठीक है रिद्धि, एक बार दिखाना। ये ना रिद्धि को चोट लगी और ये ना मम्मी को अभी पता चला, रिद्धि ने ना अपने आप ठीक कर ली। मेरे जो वो दीदी अपनी वाली लिबम दिए थे ना, उसको लगा लगा के ठीक की, उसको बंद की, मुझसे मम्मी को बताया भी नहीं। सबका डन, रिद्धि अभी प्रोसेसिंग में है। क्या खा रहे हो रिद्धि? ये रिद्धि ने आज नई डिश का आविष्कार किया है। क्या? क्रीमी रेड राइस।
इतना ओवर हो गया आज, इतना ओवर हो गया है, और उनके हिस्से का बचा भी मुझे खाना पड़ा है। इतना ज्यादा मुझे खिला दिया, इतना ज्यादा शर्मा जाता है, झूठ भी ना शर्मा जाता है। झूठ को तो मैं साथ लेके चलती हूँ, कैसे शर्मा आएगा। हाय राम। और ये खाने के बाद रिद्धि की क्या चल रहा है मैम? तो मैं और अरुण नहीं खा रहे हैं, और रिद्धि के लिए मम्मी पापा के लिए हम लेके जा रहे हैं, और अब जाएंगे हम लोग घर। यार बहुत थक गए, मैं तो क्लिनिक से आते ही हम लोग यहाँ आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि की भाभी की दुनिया। और ये रिद्धि ने अभी अभी खाना खत्म किया है, पूरी कटोरी राजमा की खत्म की है जबरदस्ती। जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती कैसे? धमकी देके आपको किया था। कैसे कैसे कैसे? आजकल रिद्धि ने नया काम पकड़ा है भाई। अगर आपके बच्चे भी खाना नहीं खाते ना, मतलब अगर आपके बच्चे भी क्या बोलते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं या कुछ है, तो बात ही वैसे पे है। जो चीज उनको पसंद है प्लेट में साथ में वो रख दो, और एक तरफ एक कटोरी सब्जी की, जैसे इसके साथ अब किया जाता है। पहले वो पूरी कटोरी सब्जी की खत्म होनी चाहिए, उसके बाद ना बहुत सारे मतलब आयुर्वेदा में कोई दवाई है? हाँ उसका नाम होता है उपासना टॉनिक। उपासना टॉनिक, उपासना का डर। मैं ना जब मतलब मेरे हिमाचल में भी जो घर है ना, वहां पे भी आसपास जितने बच्चे हैं तो सब वेल सेटल्ड हो गए हैं सब लोग, तो बचपन से उनको भी ऐसा ही था, और अब ये इसमें बहुत चेंज आया है। पर यार बच्चे जब नहीं मानते ना, कभी उनको मारो मत, हाथ मत उठाओ, आंख का डर होना चाहिए जैसे इसको है अब। और उनको प्यार से जो चीजें उनको पसंद है ना, जैसे स्टडी, तो उनके वे में करवाओ। बच्चे ना धीरे धीरे करके ट्रैक पे आ जाते हैं। आप उम्मीद करोगे 3 साल से बच्चे की, 30 साल वाली मैच्योरिटी वो नहीं हो सकती है ना रिद्धि। तो फ्रेंड्स अभी बाबू जी आ रहे हैं, तो मुझे परचुन्नी लाने के लिए भेजा जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ परचुन्नी लेने। अभी देखते हैं कौन सी चुन्नी मिलती है। कि 7 बजे इनकी प्रीति जो भाभी है, दीदी है, उनका बच्चा हुआ है 7 बजे ना। बच्चा नहीं, बेबी हुआ। बेबी लड़की है या लड़का? लड़का। ओ मेरा फेवरेट गुड्डा। इसी के साथ आज मैं सोई थी। ये लो। हाय। अब चश्मा लगाएंगी दीदी। है ना? ये रहा रिद्धि के लिए भी चश्मा ले आए। हाँ। रिद्धि का तो रखा हुआ है। हाँ। लगा देंगे चश्मा। हाँ। चलो चलो बाय। चलो रिद्धि को एक झूठा दे दे फिर। Bye.